हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल गणित में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते में आधार लिंक करना चाहते हैं तो आपको बैंक जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली बीसी पॉइंट से, बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएसबी से, मिनी ब्रांच से। तो दोस्तों, आप बने रहिए वीडियो के एंड तक। हम जानेंगे कि अपने खाते में आधार लिंक कैसे करें बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएसबी से, मिनी ब्रांच से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, आप अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते में आधार लिंक करना चाहते हैं तो आप किसी भी बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएसबी से, मिनी ब्रांच से करा सकते हैं। उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपका जो खाता है वो एक्टिव होना चाहिए, वो बंद नहीं होना चाहिए, वो चालू होना चाहिए, एक्टिव अवस्था में होना चाहिए। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि हम अपने खाते में काफ़ी लंबे समय से कोई लेन देन नहीं करते हैं, जिसके चलते हमारा जो खाता होता है वो टेम्पोररली बंद हो जाता है, इसको हमको चालू कराना पड़ता है। तो दोस्तों, वैसे खाते में बीसी पॉइंट से आधार लिंक नहीं होता है। उसके लिए आपको पहले अपने बैंक जाकर के खाता को एक्टिव कराना पड़ेगा। जब खाता आपका चालू हो जाएगा तब आप बैंक ऑफ बड़ौदा के बीसी पॉइंट से, सीएसबी से अपने खाते में आधार को लिंक करा सकते हैं। दूसरा दोस्तों जो कारण होता है वो ये है कि आपके खाते में केवाईसी ड्यू है, आपके खाते में प्रॉपर केवाईसी नहीं रहता है। उस केस में भी आपका अगर खाता फ्रीज हो जाता है, बंद हो जाता है, पैसा नहीं निकलता है, तो भी आप अपने खाते में आधार लिंक नहीं करा सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बीसी पॉइंट से। तो दोस्तों, ये दो मेन कारण है आधार लिंक नहीं होने के। ये दोनों चीज़ चेक कर लें। अगर आप कंफर्म हैं कि हमारा खाता एक्टिव है, फ्रीज नहीं है, चालू है, तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएसबी से, मिनी ब्रांच से आधार को लिंक करा सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको सिंपली अपना आधार कार्ड लेकर के बैंक ऑफ बड़ौदा के बीसी पॉइंट पर जाना है, वहाँ पर अपना फिंगर रख करके ऑथोराइज कर देना है आधार लिंक करने के लिए। जैसे ही आप अपना फिंगर रख करके आधार कार्ड के लिए ऑथोराइज कर देंगे, 24 घंटे के अंदर में आपका जो आधार कार्ड है वो लिंक हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कि बैंक ऑफ बड़ौदा के बीसी पॉइंट से, सीएसबी से, मिनी ब्रांच से हम अपने खाते में आधार को लिंक कैसे करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए टेक्निकल गणित।